सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की 348वीं जयंती श्रद्धा भावना और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 1666 ईस्वी को बिहार के पटना शहर में हुआ था, जहां आज पटना साहिब गुरुद्वारा सुशोभित है। ये गुरुपर्व सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, स्पेशली पटना में, क्योंकि उनका जन्म पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी ने मानवता को मानता और एकता का संदेश दिया, और इस उपलक्ष में जगह जगह नगर कीर्तन निकाले जाते हैं और गुरुद्वारों में नगर कीर्तन होता है और लंगर भी चलाए जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी को बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की और सिख कौम को मानवता, एकता और सभी धर्मों को इज्जत करने का संदेश दिया। धन गुरु गोविंद सिंह महाराज दा पुरब मैं चाहना कि सारे संसार दे विच इस पद्धर ते मनाया जावे कि जिस गुरु ने यह मैसेज दिता है कि जीना है तो दूजे लिए जीना है, अपने लिए जीना कोई जीना नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी की रचनाओं में शक्ति और भक्ति दोनों का प्रतीक पढ़ने को मिलता है। उन्होंने हमेशा से ही ऊंच नीच जात पात के विरुद्ध आवाज उठाई और सांप्रदायिक एकता का संदेश दिया। हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह, नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, शाह शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म पटना शहर में जरूर हुआ, लेकिन उन्होंने भारत के हर राज्य में हर क्षेत्र में भ्रमण किया और सिख समुदाय को यही संदेश दिया कि मानवता और एकता के साथ मिलकर मजलूमों की रक्षा करने के लिए तत्पर सिख समुदाय को तैयार रहना है। गुरु गोबिंद सिंह जी एक महान कवि, एक फिलोसफर और एक योद्धा थे। आज उन्हीं की याद में उनके गुरुपुरब मनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन जयश्री के साथ अवनीत कौर भाटिया, डीडी न्यूज दिल्ली।